नमस्कार, स्वागत है आपका इंफॉरी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंशु। यूपी जिला गोंडा थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम भगणवा रानी ज्योत में आस मोहम्मद और उनकी पत्नी खैरुल निशा को विपक्षी कमरुद्दीन तालिब रहना अतिकुन निशा के पूरे परिवार वाले ने आस मोहम्मद और उनकी पत्नी खैरुल निशा को लाठी डंडे और धारदार चाकू से मारने का प्रयास किया। और आस मोहम्मद ने बताया कि इसी तरह कई बार हमें मारा पीटा गया और हम कई बार धानीपुर कोतवाली में FIR दर्ज कराने गए, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दिखाते हैं हमारी पूरी खबर। अतिकुन निशा के पूरे परिवार वालों ने आस मोहम्मद और उनकी पत्नी खैरुल निशा को लाठी डंडे और धारदार चाकू से मारने का प्रयास किया। और आस मोहम्मद ने बताया कि इसी तरह कई बार हमको मारा पीटा गया और हम कई बार धोनेपुर कोतवाली में FIR दर्ज कराया, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विपक्षी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आस मोहम्मद और उनकी पत्नी खैरुल निशा दर बदर की ठोकरें खाती रही, फिर भी कोई भी न्याय नहीं मिला। इंसान DIG गोड़ा को पत्र भेजकर इंसाफ का गुहार लगाई। आस मोहम्मद का कहना है कि रास्ते में आए दिन मिल रही है धमकियां और हमारे जान माल का खतरा बना हुआ है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता ताजुद्दीन की रिपोर्ट। आस मोहम्मद जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? जी, हमारा रास्ता रोक रहे थे प्रधान अली अहमद, वो रास्ता रुकवा रहे थे, तो उसी को हमने मुकदमा दायर कर दिया कि हमारा जब स्थान यहाँ पे लिख दिए सब भाई लोग, अब बाप लिख दिया, उसके बाद ये यहाँ पे थाने पे दिया, यहाँ नहीं सुनवाई हुआ तो मुकदमा दायर कर दिए। मुकदमे पे लॉकडाउन में चला आया था, वहाँ नोटिस दिलाया हूँ, ये लोग हाजिर नहीं होते, सऊदीया भाग गए। तो थाने वाले ने दरख्वास्त दिया था जी, NCR दिखाया है जी सर, नहीं वो ये दिया था तहरीर सर जी। मेडिकल हुआ है सर जी यहाँ धानीपुर में, अब पुलिस वाले सब दबोच लिए हैं, अंगूठा लगवा के कुछ नहीं जानते हैं क्या लिखा है क्या। आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ? नहीं, और ये चाहते कि आपके साथ इंसाफ हो। तो कौन कौन थे वो लोग? कमरुद्दीन है, तालिब है, इस्लाम अली के लड़का हूँ और रिहाना ही, इनके सब पर तहरीर है, DM SDM से कागज दिया था। इतने लोग मारने में थे आपके? हाँ, सब मारे, मोबाइल भी हमारा उसी में छीन ली, ये घर का मोबाइल है दूसरा का। ये कौन है? ये हमारी औरत, इनको ही तो चोटे लगी हुई आपके? इनको रास्ते में छुड़ाने के लिए दौड़ी। किसने मारा? ये लड़की मारी नहीं साहब, अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4 न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।